फैमिली, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के मोस्ट थ्री यूज फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड रिड्यूस फंक्शन। तो चलो देखते हैं, मैं एक एरे ले लेता हूँ जिसके अंदर वैल्यू 2 4 मैं रैंडमली ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 8 एरे। तो पहले मैप फंक्शन देखते हैं, मैप पहला पैरामीटर वैल्यू, सेकंड पैरामीटर इंडेक्स, कंसोल लॉक करके चेक कर लेते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ वैल्यू, और ये एरे इंडेक्स। वैल्यू 2 4 6 8 यूज की इंडेक्स। ओके, तभी मैप फंक्शन का यूज एरे के अंदर एक्सिस्टिंग एरे को मैनिपुलेट कर करना रहता है और वो एरे रिटर्न करता है। रिटर्न ये सभी एरे की वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 से करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? वेल मल्टीप्लाई 2 राइट लॉक सेट, हमने एरे रिटर्न करता है तो हमें इसको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। न्यू एरे, ओके एरे हो गया है मल्टीप्लाई 2 से, 4 से करना चाहते हो तो 4 से, या आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा न्यू एरे। ओके, तो मैप का अगर कुछ आपको एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है तब ये यूज़ करना, तब ये बहुत यूजफुल है, अच्छा फंक्शन है, ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। ओके, डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, फिल्टर। फिल्टर का यूज़ क्या होता है? फिल्टर में सारे पैरामीटर ऐसे हैं, फिल्टर के अंदर फिल्टर या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। फॉल्स करेगा तो क्या आएगा? एम्प्टी एरर है, ऑब्वियस एम्प्टी एरर है क्योंकि हम कुछ फिल्टर नहीं करें, मतलब कुछ कंडीशन चाहिए ना, क्योंकि क्या चीज़ रिटर्न करना चाहते हो। अगर मैं ट्रू कर रहा हूँ तो आपका होल ले रहे पूरा एरे जो है रिटर्न कर देगा। अभी नीचे इसके अंदर इफ वेल, अगर मुझे 4 मिलता है तो भी मैं इसको रिटर्न करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो क्या आएगा दोस्तों एरे में, क्या आएगा? खाली 4 आएगा या ये सारे आएंगे देखते हैं। चलो एग्जैक्टली इसने बोला 4 तो 4 आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया फिल्टर फंक्शन का यूज़। आपको एरे में किससे अंदर कोई चीज़ फिल्टर करना है तब आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर फिल्टर करना है तो आप तभी यूज़ करना फिल्टर का। और रिड्यूस फंक्शन का देख लेते हैं, रिड्यूस फंक्शन कि यहाँ पे आ जाएगा आपका वेरिएबल इनिशियलाइजर वैल्यू, मैं इसे 0 से कर रहा हूँ, ये आपका इसको इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी एरे वैल्यू है।
फंक्शन लॉक करो। ओके ओके, ये आपकी ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये एरे के अंदर ये एरे में जितनी भी सारी वैल्यू है मुझे सम करना है। तो मैं ये हमारी वैल्यू है, वैल्यू है देख रहा हूँ। एक बार इनिशियलाइज कर दिया आप स्क्रीन, आपको ये सारे अनडिफाइंड दिखेंगे इनिशियल वैल्यू। अगर उसको आपको करना है तो आप इनिशियलाइज वैल ये सारे जितने भी हैं एरे की वैल्यू को प्लस करना है, तो एरे प्लस इनिशियल वैल्यू प्लस वैल, तो रिजल्ट क्या आएगा 8 8 16 6 पाइस पाइस आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं किया, ये कंसोल लॉग सॉरी मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आप कोई कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके लाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जीरो है, दैट्स व्हाई वो जीरो है। तो ये मेरा पूरा मल्टीप्लिकेशन, तो आपका पूरे एरिया का अगर आपको सम चाहिए या कुछ और चाहिए तो ये पूरा आपको देखा आपने ये फ्रेंड्स, इसने एरे रिटर्न नहीं किया। मैप और फिल्टर आपको रिटर्न क्या करते हैं, एरे रिटर्न करते हैं। ये आपको जो रिजल्ट है वो पूरा कंप्लीट करके वो जो रिजल्ट आता है वो आपको रिटर्न करता है, ये एरे रिटर्न नहीं करता है। तो तीनों का अलग अलग यूज है, मैप फिल्टर रिड्यूस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैप का अगर आपको इस एरे के अंदर ही कुछ मैनिपुलेशन करना है आपको तब आप मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर का अगर फिल्टर कुछ करना है आपको, फिल्टर कीवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ एरे में से फिल्टर और फिल्टरेशन आपको करना है तो फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड रिड्यूस ये थोड़ा सा अलग कीवर्ड, जैसा काम वैसा नहीं। अगर पूरे एरे का आपको वैल्यू सम कितना होता है तो आप रिड्यूस का यूज कर सकते हो, अलग वे से भी कर सकते हो, मैप से भी कर सकते हो और फिल्टर से भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो बेटर वे है। तो आई होप समझ में आ गया आपको कब कहाँ पे यूज करना है आपका। सो थैंक यू फ्रेंड्स।